हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर कर रहे हैं, तो हमने जो लास्ट वीडियो में फाइनेंशियल डिसीजंस को हमने है जो देखा था, जिसमें हमने जिस फाइनेंशियल डिसीजन में हमें जो 2 पॉइंट कवर कर चुके हैं, डेट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड लीवरेज एनालिसिस। जो थर्ड टॉपिक है डेट इज लास्ट इन द फाइनेंशियल डिसीजन, डेट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, जिसमें वेरियस तरीके के मॉडल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आज हम उनको कवर अप करेंगे। ओके, सो आज हमारा जो टॉपिक है डेट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, कैपिटल थ्योरीज जिसमें आते हैं, तो पहले हमें समझना कैपिटल स्ट्रक्चर होता है क्या। हमें पता है कैपिटल्स कितने तरह के होते हैं, डेब्ट होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, इक्विटी शेयर होता है, रिटेन अर्निंग्स होता है। ठीक है, अब उसको है जो एक फाइनेंस मैनेजर किस तरीके से यूज करो और किस चीज को यूज करना चाहिए, कौन से कैपिटल को, डेब्ट को यूज करे या फिर इक्विटी शेयर को यूज करे या फिर रिटेन अर्निंग्स को यूज करे, वो सारे जो थ्योरीज है उसको कैसे यूज करना है, उस थ्योरीज के अकॉर्डिंग वो फाइनेंस मैनेजर अपना डिसीजन ले सकता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है कि अगर डिफरेंट व्यूज से हम देखें तो ये बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं वो फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों के रिलेशंस को बताता है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। ओके, जिसमें हमें चार फोर टाइप्स जो थ्योरीज हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एमएम अप्रोच। ठीक है, दैट इज एमएम मॉडल डायरेक्टेड मोडी गिलानी मिलर। ओके, अब ये चार तरीके के मॉडल्स या थ्योरीज आप बोल सकते हैं। अब इन सब के अपने अपने अजम्पशंस हैं, ठीक है, लेकिन एक ओवरऑल अजम्पशंस इन सब के लिए अप्लाई होता है, दैट इज हमने 6 पॉइंट में कवर किया हुआ है। दैट इज पहला जो आता है कि ओनली 2 सोर्सेज ऑफ फंड, यानी जो फर्म्स के पास सिर्फ 2 सोर्सेज ऑफ फंड्स आता है, दैट इज इक्विटी एंड डेब्ट। ओके, एंड एक और बात कि जो डेब्ट है उसे फिक्स इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पहला अजम्पशन मान लिया हमने। देन टोटल एसेट ऑफ द फर्म आर गिवन, वो हमें पता है कि टोटल एसेट कितना है फर्म के पास, एंड देयर वुड बी नो चेंज इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और फिर हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कोई चेंज भी नहीं कर सकते, ये सेकेंड अजम्पशन है। देन जो थर्ड आता है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग द इंटायर प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर एंड नो रिटेन अर्निंग्स। थर्ड अजम्पशन इन्होंने ये माना हुआ है कि जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है उसको हमने पूरा का पूरा क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अमंग द शेयर होल्डर्स, और कुछ भी हमने रिटेन अर्निंग्स नहीं रखा है फॉर द फ्यूचर पर्पज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आर गिवन, आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो। अब इसने बोला कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है फर्म का वो गिवन है, और कोई भी है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करें कि कुछ और भी ग्रो होगा। ओके, देन बिजनेस रिस्क आ जाता है, कम्प्लेक्शन ऑफ द फर्म इज नॉट इज गिवन एंड इज कॉन्स्टेंट। ओके, जो बिजनेस रिस्क है वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा और कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहती है फर्म में, दैट इज फिफ्थ अजम्पशन। जो सिक्स्थ है वो नो कॉर्पोरेट और नो पर्सनल टैक्सेस, यानी इसमें कोई भी टैक्स आपको इंक्लूड नहीं करना, चाहे वो कॉर्पोरेट से रिलेटिव हो पर्सनल हो, टैक्सेस इसमें इंक्लूड नहीं किए हमने। ये हमारे 6 तरीके के अजम्पशंस हम इन मॉडल्स के लिए यूज करते हैं। अब वन बाय वन हम इसको देखेंगे कि नेट इनकम अप्रोच क्या होता है और इसमें है जो कौन कौन से अजम्पशंस होते हैं। और मैं पहले इनको समझाने से पहले एक बात मैं बता दूं कि जो भी हम अजम्पशंस पढ़ेंगे उनको याद करना ज्यादा जरूरी है एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में जो उनके अजम्पशंस को ही पूछे जाते हैं। ओके, तो ये याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कौन से किसने दिया था और इसमें कौन से मॉडल में कौन से अजम्पशंस को फॉलो किया गया है। तो हम पहला जो अजम्पशन लेंगे वो है हमारा नेट इनकम अप्रोच। ओके, जिसको सजेस्ट किया था डेविड ड्यूरेंट ने। ओके, जिन्होंने ये बताया था कि स्टेट दैट देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। उन्होंने ये बताया डेविड ड्यूरेंट ने कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, वैल्यू ऑफ द फर्म है, उनके बीच में क्या रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, तो उन्होंने इस रिलेशन को बताने के लिए कौन कौन सा अजम्पशंस को माना था। तो उन्होंने बोला कि जो टोटल कैपिटल है वो रिक्वायरमेंट जो है फर्म के, वो क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ना तो इंक्रीज होगी ना ही हो ना तो डिक्रीज होगी, राइट, ना फिक्स होना चाहिए ना ही वो वेरिएबल होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जो हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट है। देन केडी जो है लेस देन होना चाहिए के ई से, दैट मीन जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है वो हमारा लेस देन होना चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ओके, देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड कॉस्ट ऑफ जो इक्विटी है वो हमारा क्या होना चाहिए, रिमेन कॉन्स्टेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि मोर एंड मोर डेब्ट फाइनेंसिंग डज नॉट अफेक्ट द रिस्क परसेप्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। यानी अगर ज्यादा से ज्यादा डेब्ट जो फाइनेंसिंग है वो अफेक्ट नहीं करेगा इक्विटी शेयर होल्डर के रिस्क को। तो ये सारे अजम्पशंस जो है नेट इनकम अप्रोच में अपनाए गए थे डेविड ड्यूरेंट के द्वारा। ठीक है, देन जो सेकेंड जो हमारा अप्रोच आता है वो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आता है। ओके, जो कि ये बताता है द फाइनेंसिंग मिक्स
फाइनेंसिंग मिक्स वही जो हमारे डेब्ट प्रेफरेंस शेयर और जो भी हमारे इक्विटी शेयर है उन सबका फाइनेंसिंग मिक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इन इज इरिलेवेंट, वो हमारा इरिलेवेंट है ठीक है, एंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, और वो जो वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट नहीं करेगा ठीक है। यानी आपको इसमें यह ध्यान रखना है जो फाइनेंसिंग मिक्स है कैपिटल और स्ट्रक्चर का वो इरिलेवेंट होता है और अफेक्ट नहीं करता किसको, वैल्यूएशन ऑफ द फर्म को। ओके इसमें क्या क्या अजम्पशन लिए गए, पहला अजम्पशन ये था कि द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज कॉन्स्टेंट, जो भी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज ऑल्सो टेकन एज कॉन्स्टेंट ठीक है, कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी आपको कॉन्स्टेंट लेना है, देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट को भी आपको क्या लेना है, कॉन्स्टेंट लेना है। देन जो थर्ड अजम्पशन ये आता है कि यूज ऑफ मोर एंड मोर डेब्ट, आपको ज्यादा से ज्यादा है जो डेब्ट को क्या करना है, यूज करना है ठीक है, इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ठीक है। तो इन्होंने डेब्ट को ज्यादा यूज करने के लिए बोला था। देन यहाँ पे यही है कि देयर इज नो टैक्स, इसमें कोई भी टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया गया था। ओके जो हमें थर्ड आता है डेट इज ट्रेडिशनल अप्रोच ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच सबसे प्रैक्टिकली अप्रोच माना जाता है अगर हम इन दोनों को देखें, जो पहले हमने पढ़ा नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को ज्यादा प्रैक्टिकली तौर पर इसको समझाता है। तो क्या बोलता है ये कि एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच डेब्ट शुड एग्जिस्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ओनली अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। ओके एक स्पेसिफिक पॉइंट तक ही आपका एक कैपिटल स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट करेगा अगर आप डेब्ट को चूज करते हो, अगर उसके बात करो यानी बियॉन्ड विच एनी इंक्रीज इन लीवरेज वुड रिजल्ट अ रिडक्शन इन द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। क्योंकि सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ द फर्म को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो यानी इसने बोला कि एक स्पेसिफिक पॉइंट तक ही एक डेब्ट है जो एग्जिस्ट करेगा ठीक है, और अगर लीवरेज इंक्रीज होता है तो वो आपके वैल्यूएशन ऑफ फर्म में क्या करेगा, रिडक्शन रिडक्शन को शो कर देगा ठीक है। दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। अब जो नेक्स्ट है एंड लास्ट जो मॉडल आता है दैट इज अप्रोच मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। ओके दैट इज मोदी गिलानी मिलर मॉडल बोल सकते हैं या फिर अप्रोच बोल सकते हैं ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि गिव्स बिहेवियरल जस्टिफिकेशन, ये जो आपको बिहेवियरल जस्टिफिकेशन शो करता है ऑफ द एनआई अप्रोच को, जो सबसे पहला वाला था नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो हमने पढ़ा था, उसका जो सबसे बिहेवियरल जस्टिफिकेशन ये शो करता है, ये बताता है कि एमएम मॉडल शो दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म, व्हाट इज दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म आर इंडिपेंडेंस ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म है वो इंडिपेंडेंस होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर पर ठीक है। देन अजम्पशन इन्होंने यही माना कि द कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट, इन्होंने पहला अजम्पशन ये माना जो हमारा कैपिटल मार्केट है, आपको पता होगा कैपिटल मार्केट होता है और एक कई तरीके के मार्केट होते हैं, तो कैपिटल मार्केट में ये था कि जो वो क्या होंगे परफेक्ट माने जाएंगे एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, हमें सारी इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है, मतलब हमें मतलब इन्वेस्टर्स को ओके जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करवाए जाएंगे ठीक है। पहला अजम्पशन इन्होंने ये माना कि कैपिटल कॉस्ट परफेक्ट होना चाहिए और सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें अवेलेबल है, यानी हमें मीन्स इन्वेस्टर्स को, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देन सेकेंड अजम्पशन इन्होंने ये माना कि जो सिक्योरिटीज है वो इन्फिनेटिवली डिविजिबल होना चाहिए। ओके जो सिक्योरिटीज को हमें इन्फिनेटिवली डिविजिबल करना चाहिए। देन इन्वेस्टर्स आर रेशनल होते हैं एंड वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, उन्हें हर चीज का ज्ञान होता है दैट मीन्स ठीक है। यहाँ पे भी हमने कॉर्पोरेट टैक्स को नहीं लिया है इस अजम्पशन में भी। देन जो लास्ट अजम्पशन ने ये माना कि जो पर्सनल लीवरेज है एंड द कॉर्पोरेट लीवरेज है आर परफेक्ट सब्सिट्यूट्स होते हैं ठीक है। यानी पर्सनल लीवरेज जो है कॉर्पोरेट पर्सनल लीवरेज की जगह हम कॉर्पोरेट लीवरेज को काम कर सकते हैं या फिर कॉर्पोरेट की जगह हम पर्सनल लीवरेज को भी यूज कर सकते हैं ठीक है। दैट इज परफेक्ट सब्सिट्यूट्स माने गए हैं। तो ये हमारे हैं जो पांच तरीके अजम्पशन जो थे वो एमएम मॉडल में अपनाए गए थे ठीक है। जो तो यहाँ पे हमारा जो है मॉडल्स है जो हमारा या अप्रोचेस आप बोल सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का फिनिश हो जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। क्वेश्चन इस पर मोस्टली देखे जाते हैं ठीक है, और मोस्टली कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अजम्पशंस के बेसिस पे, कि इसमें आपको ये पूछा लिया जाएगा कि हाँ बताओ कि ये अजम्पशंस किससे रिलेट करता है ठीक है। तो अजम्पशंस को याद करना ज्यादा बेटर है आप इसको समझने के लिए ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। ओके सो